गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोग देख भी रहे होंगे कि प्रत्येक दिन आपका जो फाउंडेशन कोर्स है वो डेली बेसिस पर चल रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने फाउंडेशन कोर्स को मजबूत करें और वर्तमान में एट प्रेजेंट हम रीजनिंग के जो कोर्स चल रहा है उसमें आज क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं रीजनिंग के पार्ट ब्लड रिलेशन को, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन को हम पढ़ाने वाले हैं और ब्लड रिलेशन के कुछ आज हम आपको प्रीवियस ईयर का कलेक्शन देंगे और हम आपको बताएंगे कि वास्तव में जो आज का एग्ज़ाम का रोल है और एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आ रहे हैं उस ओर चलेंगे अगर हम, तो हमें सारी चीज़ें मालूम चलेंगी कि अगर हमने सब कुछ सीख लिया, अगर हमें मालूम ही नहीं है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम बेसिस पर प्रश्न कैसे आ रहे हैं, तो हम एग्ज़ाम में बैठे तो फिर अब तो हम फेल हो जाएंगे। सीखना बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको पहले से ही तैयार रहना वो इम्पोर्टेंट बात होती है। तो आइए चलिए हम चलते हैं अपने आज के इस सेगमेंट में और सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का क्लास नंबर आज 4 है, ठीक है। आइए चलते हैं हम अपने स्लाइड नंबर दूसरे पर। ये सारी चीज़ आपको बता दी गई है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध परिचय, ये सारी चीज़ें पहली या दूसरी क्लास में बता दी गई हैं। आज चौथी क्लास है, ये सारी चीज़ जो आपके सामने दिख रही है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न कितने प्रकार के बनते हैं, तो हम मोटे मोटे रूप से अगर बताएं आपको तो 3 टाइप से प्रश्न क्रिएट होते हैं ब्लड रिलेशन का। पहला टाइप था बेसिक क्वेश्चन, दूसरा टाइप था पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा टाइप था कोडेड रिलेशनशिप क्वेश्चन। तो आज इसी बेस पर हम कुछ प्रश्नों को सीखने वाले हैं। तो आइए चलिए, कुछ क्वेश्चन को हमने कल कराया था, थोड़ा सा उसी क्वेश्चन का हम आपको एक अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, बी डी का भाई है। अब यहाँ सुनना मेरी बातों को, गौर समझना, पता तो सब कुछ सभी को है तो, लेकिन रिलेशनशिप में कैसी गैपिंग होती है उसके बारे में समझना, पीढ़ियों के बारे में समझना, दर पीढ़ी दर क्या होती है, वो सारी सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है। अब देखिए, कह रहा बी डी का भाई है, तो बी भाई है ना डी का। अब क्या पता डी बी की बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। आइए आगे चलते हैं, उसके बाद कह रहा डी ई की बहन है, तो डी बहन है किसकी, ई की, लेकिन ई का जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बाद बोल दिया आगे ई एफ का भाई है, तो एफ का भाई कौन, ई, ठीक है, तो एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। यहां पर लास्ट में देखना, यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सब कुछ करने के बाद लोग यहां से फंस जाते हैं और फंसते क्या है, अब क्वेश्चन दे दिया कि एफ बी से कैसे संबंधित है, यानी सुनो मेरी बात, एफ बी से कैसे संबंधित है, यानी बी से संबंधित है कौन, एफ, यानी जो पहला वाला लेटर दिया गया है उसी का रिलेशन निकालना है। सीधा आप बी से एरो उठाओ और ले जाओ एफ पर, ठीक है। तो यहां से हो गया, मान लीजिए बी की बहन, ठीक है, और उसके बाद भाई, क्योंकि रिलेशन बिल्कुल सेम है, हमारी ही पीढ़ियों की बात हो रही है, भाई बहन भाई, लेकिन यहां पर एफ जो है या तो इसके भाई हो सकते हैं या तो इसकी बहन, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो, अगर आप कहते भाई तो प्रश्न आपका गलत हो जाता, आप कहते बहन प्रश्न आपका गलत हो जाता, आप कहते डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी अधूरी है, फिर भी प्रश्न गलत हो जाता, पांचवा कहते नन ऑफ दीज, फिर भी प्रश्न गलत हो जाता। जब ऑप्शन में दे के रखा है ब्रदर और सिस्टर, तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, आपको सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हाँ, कि जब ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। आपके आनंद सर आ गए हैं, जस्ट इसके पास आपकी क्लास होने वाली है, क्वालिटी का सेगमेंट अभी जस्ट स्टार्ट होगी, ठीक है। और एक जानकारी मैं आपको दे दूँ, बहुत जल्द से जल्द, या तो एक दिन या तो दो दिन, उसके बाद सारी क्लासें अवेलेबल हो रही हैं, लाइव क्लासेस। सीधाराम सर भी सामने बैठे हुए हैं, आपके आनंद सर भी सामने बैठे हुए हैं जो पॉलिटी के सेगमेंट लेने वाले हैं आज से। सारी क्लासेस एकदम परफेक्ट से, आज आपके अभिषेक सर से बात हो गई है, वो कल या परसों या दो दिन के बाद आपसे, आपके सामने होंगे मैथमेटिक्स को।
हाँ ठीक है भाई, आइए चलते हैं आज के हम प्रश्न नंबर वन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर दो को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले प्रश्नों की लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा प्रश्न आपसे सॉल्व ना हो पाएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। डी बी का भाई है, भाई कौन है? देखो मैं सब कुछ समझा चुका हूं, तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अब मैं फास्ट करने की कोशिश करूंगा, 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर सारे प्रश्न सॉल्व होने चाहिए आपके एक एक। अब मैं आपको बेस में न ले जाऊंगा, जो बेसिक क्लास थी तीन क्लास हमने ले चुके हैं रेगुलरिटी बेसिस पर। सुनो मेरी बात, डी बी का भाई है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे एम बी का भाई है, एम भाई है बी का, और हमने बताया मेल के लिए स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्कल। उसके बाद है के एम का पिता है, एम के पिता कौन हो जाएंगे? के, बड़े हैं तो हमेशा ऊपर। टी के की पत्नी है, के की पत्नी कौन? टी, इसके लिए डबल बॉन्ड आप लगा दो इस प्रकार से, ये हो गया। उसके बाद कह रहा बी, टी से कैसे संबंधित है? ये जो टी भाई साहब है ये बी को क्या बोलेंगे? तो ये तो आप कह सकते हो ना, ये भाई हो सक, ये जो बी आप देख रहे हो ये डी के भी भाई हो सकता है, बहन भी हो सकता है, यही बी एम के भी भाई, एम के भी भाई हो सकते हैं, यानी तीनों आपस में भाई बहन का रिलेशन होगा। इस रिलेशन में क्या होगा, इनके माता पिता के और टी हैं, इन तीनों के पिता के हैं, तीनों की माता टी हैं, इस प्रकार से या तो इनकी पुत्री होगी या तो ये पुत्र होगा, इसलिए जानकारी अधूरी। ये देखो ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन दिया है बेटा, ये गलत है, जब हमें जेंडर क्लियर नहीं है तो कैसे बता सकते हो बेटा, डॉटर ये भी जेंडर नहीं है, लेकिन यहां पे देके रखा है पुत्र या पुत्री, ठीक है, पुत्र या पुत्री, तो इसलिए इस ऑप्शन को आनंद थोड़ा सा बस, हाँ ठीक है, ठीक है भाई। तो ये डेटा इंडिक्यूट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखो किस प्रकार से घुमा रहा है, या तो आप ऑप्शन में मार दोगे इसमें से कोई है ही नहीं, या तो आप कहोगे जानकारी अधूरी है, लेकिन आपके ऑप्शन में देख के तो रखा हुआ है कि पुत्र या पुत्री, तो आपको ऑप्शन नंबर टू पे जाना होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर तीन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। आओ देखते हैं, कह रहा है ए बी का पिता है, क्या है भाई, ए भाई साहब जो हैं वो बी के पिता हैं, तो बी के पिता कौन है? ए, लेकिन बी का जेंडर अभी आपको क्लियर नहीं है, यानी बी के पिता हैं ए। उसके बाद कह रहा है प्रश्न, सी डी का पुत्र है, यानी जो सी है किसका पुत्र है? डी का पुत्र है, लेकिन सी तो पुत्र है, क्या पता कि ये पुत्र है किसी का, तो या तो इसकी माता होंगी, या तो डी भाई साहब, या तो इनकी माता होंगी, या तो इनके पिता होंगी, जेंडर स्पष्ट नहीं है, छोड़ो आगे प्रश्न को आगे पढ़ो। ई ए का भाई है, अब ए का भाई कौन है? ई है ई, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है बी सी की बहन है, देखो प्रश्न रिलेट हुआ कि नहीं हुआ, बी जो है सी की बहन है, तो बी का जेंडर हमें मालूम चल गया और इनकी बहन है, जब ए भाई साहब बी और सी के पिता हैं, यहां पे प्रश्न ये भी कह रहा है सी डी के पुत्र हैं, तो ऑटोमेटिक यहां से डी जो होंगी इनकी माता हो जाएंगी, और जब इनकी माता हुई बी और सी की, पहले ए बी के पिता हैं, तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं ये इनकी 100% माता होंगी सी, और माता पिता का जो पति पति पत्नी का विवाह होता है, तो उस कंडीशन में हम दो बॉन्ड को बनाते हैं, यानी दो लाइन को खींचते हैं, इससे ये क्लियर रहे कि ये इनकी पति पत्नी का जोड़ा है। तो अब देखो प्रश्न पर देखो कि डी ई से कैसे संबंधित है, तो ई से सीधा आप ले जाओ डी पर। सुनो मेरी बात, सुनना, ये ई है, ई के भाई ए हैं और ए की पत्नी डी है, तो ई यानी पति के भाई, या मान लीजिए किसी की पत्नी हो, पत्नी का भाई उस व्यक्ति के पत्नी को क्या बोलेगा, यानी देवर,
देवर लगेगा वो, लेकिन वो आपको क्या बोलेगा? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब समझते हैं, या तो आपको बोलेगा भाभी, लेकिन भाभी वाभी एग्जाम में नहीं देगा आपको, ठीक है? वो नहीं देगा कि भाभी है, साली है, साला है, ये नहीं देगा। सबके लिए सिस्टम बना के रखा हुआ है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू, ये सारे सिस्टम्स हैं। इसको मैं समझा के रखा हूँ, अगर समझेंगे नहीं, प्रश्न गलत कर देंगे, उसकी जिम्मेदारी फिर हमें नहीं होगी। आप ये बात मत कहना कि आपने नहीं समझाया है, पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में सारी चीज़ आपको समझा दी गई है, आप उसको देख लेना, ठीक है? आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 4, जे पी की, देखो जे पी की माँ हैं। जे जो है ये किसकी माँ है? पी की माँ है। उसके बाद है पी के का भाई है। पी जो है किसका भाई है? के का भाई है। के वी की माँ है। सुनो, ये जो के दिख रहा है आपको किसकी माँ है? वी की माँ है। इसका मतलब कि के का विवाह हुआ है, लेकिन इनके पति के बारे में एग्जामिनर मेंशन नहीं किया है, तो आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यहाँ पे कोई होगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद क्यों वी का भाई है, जो क्यों देख रहे हैं, वी का भाई है, लेकिन वी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है। उसके बारे आगे पढ़िए, जी क्यों का पिता है। ये देखो आया ना, जी जो हैं क्यों के पिता हैं। तो जब क्यों के पिता होंगे, जब क्यों की माता के हैं, तो इन्हीं के तो पति होंगे जी, तभी तो क्यों के पिता लगेंगे, ठीक है? उसके बाद है एस पी का पिता है। तो किसके पिता? एस जो हैं पी के पिता हैं, तो इनके पति हो जाएंगे और पी के पिता हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन दी गई जानकारी के आधार पर सत्य है? आपको ऑप्शन 5 दिया गया है, उस ऑप्शन में, पांचों ऑप्शन में आपको चेक करना है कि इस पांचों ऑप्शन में से इस बने डायग्राम में क्या रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं, कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 के जी की पत्नी है। तो इस डायग्राम में देखो कि जी की पत्नी के हैं, तो ठीक है भाई, ये जी भाई साहब जी की पत्नी के हैं, ये 100% ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लो, कह रहा है के एस की बेटी हैं। तो क्या देखो, के भाई साहब जो हैं एस की बेटी हैं, बिल्कुल सही बात है। ये के जो हैं पी के भाई बहन हैं, और इनके पति, इनके पिता जे हैं, इनकी माता एस हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है जी वी का पिता है। जी भाई साहब जो हैं वी का पिता है। तो इसको चेक करो कि वी का पिता कौन है? जी। चेक करो, वी के पिता जी हैं, बिल्कुल सही बात है, हैं वी के पिता ही तो हैं जी। ऑप्शन नंबर 4 चेक करो, एस जे का पति है। तो जे यानी देखो, क्या एस जे का पति है? जे कहाँ पर है? ये है। क्या जे का पति एस है? बिल्कुल ठीक बात है। तो इन चारों ऑप्शन गलत हो गए, चारों ऑप्शन गलत, चारों ऑप्शन को आपको ठीक नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 5 देखे रखा है ना, सभी सत्य हैं। तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। आइए पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ कर प्रश्नों को सॉल्व करना है, तुक्का नहीं लगाना है और ना तुक्का चलेगा, ठीक है? सारी चीज पढ़नी पड़ती है इसके लिए। आइए देखते हैं हम, ए बी का भाई है। ए भाई साहब जो हैं ये बी के भाई हैं। तो ए के भाई बी हो, सॉरी बी के भाई ए हैं, लेकिन बी का जेंडर नहीं क्लियर, आगे पढ़ेंगे हम। जी एच का भाई है। जो जी देख रहे हैं आप, ये एच का भाई है। जब रिलेट नहीं हो रहा है, इसको बगल में बना दो। उसके बाद यहाँ पे देखो, ए जी की बहन है। ए जो हैं,
सॉरी देखो गड़बड़ हुआ ना यहाँ पर, सुनो मेरी बात। ए, ये जो ए आपको दिख रहा है, जी की बहन से विवाहित हैं। अब जी की बहन यहाँ होंगी, ये कोई होंगी, इससे विवाहित हैं ए भाई साहब। बताओ इस सिचुएशन में कैसे डायग्राम बनाएंगे? तो ये डायग्राम हमारा हो गया फेल। दूसरा डायग्राम बनेगा, लेकिन इसको मिटाना मत, सेम कंडीशन क्रिएट होगी। वो कैसे, आप देखो, हमने बताया भी आपको ए बी का भाई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एच जी का भाई है, लेकिन उस इसको देखो पहले तो, एच जो हैं ये किसके भाई हैं, एच जी का भाई, सॉरी जी एच का भाई है। उसके बाद कह रहा है ए जी की बहन से विवाहित है, तो जी की कोई एक बहन होगी, उससे विवाहित कौन है, ए। डबल बॉन्ड लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है क्यों ए का पुत्र है, क्यों जो है ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन हो जाएगा, क्यों पुत्र है। उसके बाद है बी के का पुत्र है, ये जो बी आप देख रहे हैं किसका पुत्र है, के का पुत्र है, के इनकी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं। उसके बाद है एच एम की बेटी है, कितना भी आए आप रिलेट करते जाओ, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एच एम की बेटी है, तो एम की बेटी आपको एम कहाँ दिखा, एम की बेटी कौन है, एच है। सुनो गौर सुनना, एम की बेटी है एच, तो एम की बेटी है एच, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है एम टी की पत्नी है, गजब, एम जो है किसकी पत्नी है, टी की पत्नी है, तो टी एज अ मेल। उसके बाद देखो क्यों जी से कैसे संबंधित हैं, यही समझना है भाई। जी भाई साहब जो हैं, इतना घुमाया आपको लेकिन प्रश्न में कुछ है नहीं, ये जी भाई साहब क्यों से कैसे संबंधित हैं, सुनो मेरी बात। जी की बहन, सुनो मेरी बात, जी की बहन और जी की बहन का बेटा क्या कहलाएगा, बताओ आप। मान लीजिए आपसे मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, देखिए अब रिलेशन देखो, यहां से कह रहा है ना क्यों जी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यों जो है ये जी क्यों से कैसे संबंधित है, आपके बहन का बेटा, आप उसे क्या बोलेंगे, नेफ्यू बोलेंगे, नेफ्यू, और आपके बहन का बेटा आपको मामा बोलेगा, मैटरनल अंकल। हाँ, तो आप इसको, इस प्रश्न को थोड़ा सा इस प्रकार से कर लो कि जी क्यों से किस प्रकार संबंधित है, ये जो जी हैं ये यानी बहन का बेटा हमें क्या बोलेगा, मामा ही तो बोलेगा। उस कंडीशन में हो सकता है एग्जामिनर आपके ऑप्शन में डाल दे पैटर्नल अंकल या डाल दे मैटर्नल अंकल, तो आपको जानना है मैटर्नल अंकल, क्योंकि मैटर्नल का अर्थ होता है हमारी माता जी की फैमिली से बिलोंग करने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य, ठीक। ये डायग्राम बना, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एच के दो बेटे हैं, दो बेटे ए और वाई हैं, ये एच भाई साहब हो गए, इनके दो पुत्र हैं, एक पुत्र हैं ए, दूसरे पुत्र हैं वाई, ये मेंशन किया है क्वेश्चन में, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये दोनों पुत्र होंगे तो इनके ये एच भाई साहब जो हैं इनकी माता हैं या पिता हैं, ये डिफाइन नहीं है अभी। आप पढ़ते हैं आगे, ए की शादी एम से हुई, तो बताओ इनका एच का बड़ा पुत्र रहा होगा, ये कहेंगे चलो भाई शादी विवाह कर दो, आज का शादी विवाह का रोल देख रहे हो,
मिल जाएगा दहेज प्रथा, ठीक है, दहेज प्रथा मिलेगी आपको। तो उन्होंने सोचा कि आओ यार, बेटा हमारा पढ़ लिख नहीं रहा है, कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, आओ इसका विवाह कर देते हैं, अपने विवाह कर लेगा, पत्नी हो जाएंगी, तो दो रोटी के लिए जब जब खाने को रहा होगा ना, तो वो जाएगा कमाएगा। यानी बहुत बेटे ऐसे होते हैं ना, नालायक होते हैं, ठीक है, जो अपने पिता से ही हमेशा सोचते हैं कि हमारा पिता है, ये हमें ला के देंगे सारी चीज़, लेकिन जब इंसान की विवाह हो जाता है ना, तब ओरिजिनल जिंदगी तो वहाँ से आती है। जब आपको लगेगा कि मेरा बेटा भूखा है, उसे मैं दो रोटी कहाँ से ला के दूँ, ठीक है। तो ये जब ब्लड रिलेशन चल रहा है, थोड़ा सा ये बताना और ज़रूरी होता है भाई। तो कह रहा है एच के दो बेटे हैं, ए और वाई। फिर क्या किया, एच ने अपने बड़े बेटे ए का विवाह कर दिया। हालांकि ये नहीं है, मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, ए की शादी एम से हो गई, तो ए की पत्नी हो जाएंगी ये एम। उसके बाद कह रहा है एम पी की माँ है, एम जो है किसकी माँ है, पी की माँ है। अब ये लो इनके पुत्र भी हो गए पी, पी की माँ है एम, लेकिन पी के बारे में जेंडर स्पष्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके बीच में हमने क्यों लगाया कि इनके ही पुत्र होंगे ये, तो ये कह रहा है ना एम पी की माँ है। उसके बाद कह रहा है एन एच का पुत्र वधू है, पुत्र वधू का मतलब समझ रहे हैं, आपके पुत्र की पत्नी आपकी पुत्र वधू लगेगी। तो आओ देखो एन एच का पुत्र वधू है, सुनना मेरी बातों को, एन जो है एच का पुत्र वधू है और एस एच का सास है, एस जो है एच का सास है। अब कैसे होगा ये, तो देखो एन जो आपको दिख रहा है एन, ये एच का पुत्र वधू, तो एच का पुत्र वधू कैसे बनाएंगे आप, एच का पुत्र वधू, तो इसका मतलब एन होगा ही यहां से, तो एन जो होंगी पुत्र वधू होंगी। कहने का मतलब ये कि एक इनकी और होंगी, सिंपल तरीका जानिए आप, यानी पुत्र वधू एन होंगी। तो कैसे होगा, एच का पुत्र वधू है ना एन, तो यहां पे तो एक पुत्र वधू तो इनकी मिल गई एम, इसका मतलब वाई का भी यहां से विवाह हुआ है। साफ निकलता है कि एच का पुत्र वधू है एच के पुत्र के पत्नी, तो यहां से तो कह दिया ना एक एक पुत्र इनके ए हैं, दूसरे पुत्र वाई हैं, तो पहले पुत्र का तो विवाह हो गया है एम के साथ, लेकिन दूसरा आपको यही तो एग्जाम में फंसाएगा आपको, कैसे रिलेट कर पाएंगे आप एग्जाम में, तो यहां पे एन बना दो, तो वाई की भी पत्नी एन हो गई। उसके बाद कह रहा है एस एच का सास है, तो एच के सास कैसे बनेंगी, ये तो कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में डिफाइन नहीं है हमें, तो एच का सास है, तो भाई एच की सास तभी बनेगी जब इनका विवाह होगा, जब इनका विवाह होगा। आप पता नहीं विवाह किसके साथ होगा, ये क्लियर डिफाइन नहीं है, तो विवाह किसी के साथ भी हो सकता है, यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, जब इनकी माँ होगी तभी इसकी सास बनेगी। अब वो सास भी कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, ये सिचुएशन घटना घट रही है। कह रहा है निम्न में से कौन पी का चाचा है, बताओ वह प्रश्न भाई, देखो प्रश्न कैसे रिलेट हो रहे हैं, पी के चाचा कौन होंगे, इतना आपको प्रश्न तो फालतू घुमा दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो प्रश्न कितना इजी पूछ लिया हमसे, पी के चाचा कौन है, पी के चाचा इनके पी के पिताजी के भाई ही तो पी के चाचा होंगे, तो पी के पिता ए हैं और ए के भाई हैं वाई, इसलिए इनके चाचा हो जाएंगे वाई, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। लमसम आपको 14 प्रश्न कराए जाएंगे, आइए चेक करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, एस बी की बहन है, एस जो है बी की बहन है, के बी का भाई है, के बी का भाई है, के एल का पुत्र है, देख रहे हो
एल का पुत्र है, एल का विवाह वाई से होता है, ठीक है हमने करा दिया। वाई जे की बेटी है, ये जो वाई देख रहे हैं किसकी बेटी है यार, स्पेस बहुत कम पा जाता है। अब चलें फिर इसको नीचे बनाएं हम, अब ऊपर लिखेंगे तो ऊपर जो आपका प्रश्न दिया गया उसमें सटेगा। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। देखो वाई जे की बेटी हैं, तो मैं बना दे रहा हूँ ऊपर, देखना जे की बेटी है वाई, जब ये पत्नी हो गई, जब ये औरत हो गई, ये गर्ल्स हो गई, तो ये ऑटोमेटिक इनका विवाह है। गर्ल्स गर्ल्स का विवाह नहीं होता, बॉयज बॉयज का विवाह नहीं होता, बॉयज गर्ल्स का विवाह होता है। तो ये इस कंडीशन में ऑटोमेटिक आप एल को बॉयज मान लेंगे, अर्थात इनका पति मान लेंगे। लेकिन एग्जामिनर प्रश्न बनाने वाला मेंशन नहीं किया कि एल पति है इनका, ठीक है। वाई की केवल एक बेटी है। अब जब वाई की, ये तीनों तो पुत्र पुत्रियां हैं, जब वाई की ऑलरेडी एक बेटी एस दे दिया गया है, बी के बारे में मेंशन नहीं किया, यह इसकी पुत्री है या पुत्र है, इस कंडीशन में आपको इसे बॉयज मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है वाई की केवल एक बेटी है जो पहले से एस है, तो इस सिचुएशन में बी को हमें बॉयज बनाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है जे सी से विवाहित है, जो जे है ये सी से विवाहित है। उसके बाद है के डी का भाई है, के जो है डी का भाई है, ठीक है। डी टी से विवाहित है, करा दो विवाह, लेकिन पता नहीं जेंडर, पति ये पत्नी कौन, पत्नी ये है पति कौन है, ये जेंडर डिफाइन नहीं है। अरे यार इसमें तो सब कुछ तो बन गया, लेकिन एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि प्रश्न पूछा ही नहीं गया यार, कि प्रश्न क्या बनेगा इस कंडीशन में। चलिए हम प्रश्न बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने टाइप 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 करने को तो भूल ही गए, सब कुछ तो डायग्राम बन गया, प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि क्या किसका किससे संबंध है। तो यहाँ से मैं प्रश्न बना रहा हूँ, प्रश्न आप नोट कर लो। प्रश्न क्या बनाए यार, बनाओ प्रश्न। के का वाई से क्या संबंध है, क्या बताया हमने, के का वाई से क्या संबंध है, अर्थात तुरंत वाई से ले जाओ के पर, क्योंकि किसका संबंध है, के का ही तो संबंध है वाई से, तो तुरंत आप ले जाओ वाई, कहाँ गया वाई से आप लाओ सीधा एरो इस पर। अब सुनो मेरी बात, के पिता हैं ये और पिता की पत्नी ये हैं, तो वो आपकी माता लगेंगी। इस सिचुएशन में इस ऑप्शन को रॉन्ग करो, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बेटा या पुत्र। यार अच्छा प्रश्न था भाई, लेकिन प्रश्न पूछा ही नहीं कि प्रश्न क्या होता है। ऐसे प्रश्नों को मैं आपके सामने आगे ले रहा हूँ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से प्रश्न जो अभी देखे आपने, क्वेश्चन नंबर 7 ये प्रश्न पूछता है कि किसका क्या किससे संबंध है, डायग्राम बनने के बाद। आप प्रश्न को पढ़ते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है एस बी की बहन है, यार ये तो वही है, ये तो वही प्रश्न हो गया यार। देखो एकदम सेम प्रश्न है, देखो यहां पर एस बी की बहन है, इसमें भी वही है, एस बी की बहन है, के बी का भाई है, के एल का पुत्र है, डी टी से विवाहित है, सेम कंडीशन वही बनेगा, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया गया है। आइए सेम कंडीशन वही था यार, हमने मिस्टेक किया थोड़ा सा, क्योंकि इसमें प्रश्न को हमने लिया ही नहीं, वही प्रश्न आगे है लेकिन वो कुछ दूसरा पूछ रहा है यहाँ पर।
फिर से वेन डायग्राम को बनाएंगे। एस बी की बहन है, के बी का भाई है, ठीक है, उसके बाद भाई है ये, के एल का पुत्र है, के जो है एल का पुत्र है, एल का विवाह वाई से होता है, वाई जे की बेटी है, ये बेटी हो गई तो ये ऑटोमेटिक पुत्र हो जाएगा, वाई की केवल एक बेटी है वो एस है तो ये ऑलरेडी इसका पुत्र हो जाएगा, जे सी से विवाहित है, सी से विवाहित है, के डी का भाई है, के जो है डी, के जो है ये डी का भाई है वो तो दिख ही रहा है, डी टी से विवाहित है, डी जो है टी से विवाहित है। अब प्रश्न ये देखो यहाँ से बना, यदि पी सी का भाई है, कह रहा है यहाँ पर यदि पी सी का भाई है, यदि पी जो है सी का भाई है तो जे पी से कैसे संबंधित है, तो जे पी से कैसे संबंधित है, पी का जे से संबंध, ये देखो यहाँ पे मैं एरो बना दे रहा हूँ, कलर चेंज करूँगा यहाँ से, ये इसका संबंध बता सकते हो यहाँ से आप, यहाँ से हम डायरेक्ट कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है जब जब आपसे किसी का नहीं दिया गया है, अगर जनरेशन अगर आपको डिफाइन नहीं है कि यह व्यक्ति पुरुष है या महिला, तो आप उस चीज़ को निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5 इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे फिर समझेंगे। डी ए का पिता है, तो पिता कौन है, डी है, किसके हैं, ए के हैं। यार प्रश्न को सॉल्व करते करते इतना आपके दिमाग में भर जाएगा कि आप प्रश्नों को देखते ही तुरंत आप कहोगे टिक मारो एग्जाम में तुरंत। डी ए का पिता है तो पिता कौन, डी। डी की शादी पी से होती है तो पी ऑटोमेटिक इनकी पत्नी हो जाएगी क्योंकि ये पहले से ही पुरुष हैं। पी जे की माँ है, पी जो है जे की माँ है, ठीक है, तो ये इसके या तो भाई होगा या तो इसकी बहन होगी, लेकिन मेंशन नहीं है, इतना कह रहा पी जे की माँ है। पी की केवल एक बेटी है, सुनना मेरी बात, पी की केवल एक बेटी है, इतना भी रोक के रखो। जे का विवाह यू से हुआ है और कह रहा है यू एल का पुत्र है, सुनो मेरी बात, समझो प्रश्न को, पी जे की माँ है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, पी जे की माँ है तो माँ है वो ठीक है, लेकिन कह रहा है पी की केवल एक बेटी है तो इन दोनों में से एक बेटी होगी, क्लियर नहीं है कौन है। उसके बाद कह रहा जे का विवाह यू से हुआ है, जे का विवाह आप यू से करवा दो, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन कह रहा है यू एल का पुत्र है, यू जो है किसका पुत्र है, एल का पुत्र है, जब यू भाई साहब एल के पुत्र हैं तो यू जब पुत्र होंगे जे इनकी पत्नी हो जाए, सॉरी जे इनकी पत्नी हो जाएंगी, और यहां मेंशन करके रखा है पी की केवल एक बेटी है तो इसकी बिटिया ही होगी, तो ए ऑलरेडी बिगैर समझे बिगैर कहे ये इनका पुत्र हो जाएगा। आओ देखो प्रश्न, जे एल से कैसे संबंधित है, तो एल से उठाओ और ले जाओ जे पर, तो सुनो तो इनकी क्या हो जाएगी, अब बताओ ये इनका बेटा हो गया तो बेटे की पत्नी क्या लगेगी, डॉटर इन ला, बहू, बहू, ठीक है, इसलिए बहू ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
क्या कह रहा है यहां पर, आर का विवाह, प्रश्न पढ़ते जाओ सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आर का विवाह यू से होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई, लेकिन क्लियर नहीं है कि पति ये होंगे कि पत्नी ये होंगी, क्लियर नहीं है। यू एल की माँ है, यू जो है एल की माँ है, तो ये माँ है तो ये एल के पिता हो जाएंगे। उसके बाद है एल डी की बहन है, डी एल जो है, जो काम हो गया, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कह रहा है एल डी की बहन है, तो एल डी की बहन हो गई। यू की केवल एक बेटी है, तो डी ऑटोमेटिक इनका बेटा हो जाएगा। डी का विवाह जे से होता है, तो डी की पत्नी जे हो गई। के जे का पुत्र है, जे का पुत्र कौन, के। उसके बाद कह रहा है एफ जे की माँ है, एफ जो है जे की माँ है, कौन, एफ। अब देखो संबंध, देखो कह रहा है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, एफ का डी से संबंध देखो, यानी बिटिया के आदमी बिटिया के आदमी यानी आपकी बेटी का पति, वो आपका क्या लगेगा आनंद जी, आप बता दीजिए। मतलब कि एक प्रश्न है, आनंद जी आ गए हैं पढ़ाने के लिए, मान लीजिए एक महिला है एफ, उसकी एक बेटी है, और उसकी बेटी का पति क्या लगेगा उस महिला का, दामाद लगेगा। इसलिए आनंद जी ने बता दिया है ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर, सन इल्ला अर्थात दामाद। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद एक दो प्रश्न और है वहां से करने के बाद क्लास को एंड करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। और देखो यू यू डी की माँ है, ठीक है बना दो। एस डी की बहन है, एस जो है डी की बहन है। उसके अलावा एल एस का पति है, एल जो है एस का पति है। उसके बाद एल की केवल एक बेटी है, तो एल की केवल आप एक बेटी बना दो, अब जो भी हो। एम एस की बेटी है, एम जो है एस की बेटी है, एम एस की बेटी है, ठीक है। जब यहां पे कह रहा है एल की केवल एक बेटी है, तो वही तो कह रहा है यहां पर, तो एल और एस पति पत्नी, तो कह रहा है एम एस की बेटी है, तो एम ही तो इनकी बिटिया हो जाएंगी। उसके बाद कह रहा पी डी की बेटी है, आपको पी दिख रहा है जो, वो डी की बेटी है, पी डी की बेटी है, ठीक है। कह रहा है यदि आर एस से विवाहित है, यदि आर, यार प्रश्न तो गलत हो गया ये, यदि आर एस से विवाहित है, ऑलरेडी यहां पे एल एस से विवाहित है, मिस्टेक कहां से हुआ, फिर से एक बार डायग्राम बनाओ, बना के चेक करो। देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ, देखो हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो हमसे, देख लेते हैं एक बार फिर से। यू डी की माँ है, तो यू जो है किसकी माँ है, डी की माँ है, राइट। डी की माँ कौन, यू। उसके बाद देखो एस डी की बहन है, एस जो है डी की बहन है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद एल, अरे यार देखो पिता को मैं पति बना दिया, गलत हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि प्रश्न गलत। एल एस का पिता है, तो एस का पिता कौन हो जाएगा, एल इनके पिता हैं, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। अब एस और डी की माता पिता ये हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है एल की केवल एक बेटी है, वो एस है, ये ऑलरेडी इनका पुत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत। एम
स्किप, वही हमने कहा यार मिस्टेक कैसे हो गया यार, और वो भी मुझसे मिस्टेक हो जाए, वो संभव नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। एम एस की बेटी है, एम जो है एस की बेटी है, एस की मत, इसका मतलब कि एस का विवाह हुआ होगा किसी पुरुष के साथ, तब इनकी बेटी हुई होगी, वो है एम। ठीक है, बन गया। पी डी की बेटी है, पी डी की बेटी है। अब डी की बेटी है, इसका मतलब डी का भी विवाह हुआ होगा किसी के साथ, तो पी बेटी है डी की। प्रश्न देखो कैसे बनेगा। यदि आर एस से विवाहित है, वो तो होगा ही है, बना दो, आर एस से विवाहित है, तो आर यू से कैसे संबंधित है, यानी यू से आर का रिलेशन, सुनो रिलेशन कैसे बनेगा। यू के पति एल है और एल का पुत्र है कौन, एस, तो इनका भी तो इनकी यानी इनकी बिटिया, और इनकी बिटिया का आदमी इनका क्या कहलाएगा, दामाद। सो फिर देख लो एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आर यू से कैसे संबंधित है। ये तो पति पत्नी और इनकी बेटी एस है, एस का पति आर है, तो दामाद ही तो होंगे ना। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न देखो के बहुत भाई इतना मेहनत लगता है यार प्रश्नों को बनाना, संकलन करना कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग समर्थन करते रहिए, बस मैं आपसे यही कहूँगा, आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, के जे का भाई है, के जे का भाई है, जे वाई की माँ है। अब देख रहे हो जे जो है वाई की माँ है, किसकी माँ है, वाई की माँ है जे। वाई टी का बहन है, वाई टी की बहन है, टी की शादी क्यों से होती है, अभी क्लियर नहीं है जेंडर। एस जे का पिता है, जे का पिता कौन है, एस। जब जे का पिता होगा तो वो के का भी पिता होगा। एस की केवल एक बेटी है, वो जे है, तो के इनका पुत्र होगा। एस का विवाह आर से होता है, ठीक है। के डी का भाई है, के जो है किसका भाई है, डी का भाई है, ठीक है। उसके बाद यू डी का ससुर है, तो डी का ससुर कैसे बनेगा, डी की पत्नी होगी, पत्नी का पिता ही तो डी का ससुर होगा। तो कह रहा है डी वाई से कैसे संबंधित है, वाई से डी कैसे संबंधित है, सब कुछ तो क्लियर हो गया। वाई ले जाइए और डी पर ले जाइए इसे। देखो ये आप हैं, मान लीजिए गर्ल्स, गर्ल्स की माताजी, ठीक है, माताजी के भाई या तो मामा होंगे या तो मामी होंगे, लेकिन इस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कह सकते यार, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर यह व्यक्ति पुरुष होता तो 100% ये इसके मामा होते, ठीक है, एक बार चेक कर लो। तो के डी का भाई है, तो के डी का भाई है ना, ठीक है, तो इस कंडीशन में यार मामा भी हो सकता है प्रश्न कुछ मिस्टेक हो, लेकिन हमारे हिसाब से जब जेंडर क्लियर नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर 5 पे जाओ। ठीक, इतनी बात क्लियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्यों टी की बहन है, ये हो गया। टी डी की माँ है, टी जो है डी की माँ है, इनका विवाह हुआ होगा किसी के साथ, ठीक है। टी जो है
बी की माँ हैं, तो इनका कोई पति भी होगा, ठीक। टी का केवल एक बेटा है, ठीक है। डी जे का भाई है, डी जे का भाई कौन है, डी है। और यहां पे कह रहा है टी का केवल एक बेटा है, तो टी की ये पुत्री हो जाएंगे। जे का विवाह एम से होता है, तो एम इनके हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक है। वाई एम की बेटी है, ये देखो बन गया सारा संबंध। जे क्यू से कैसे संबंधित है, क्यू से उठाओ और ले जाओ जे पर, संबंध ढूंढो। देखो संबंध क्या है, क्यू एक गर्ल्स है, उसकी बहन का बेटा या बेटी क्या होंगी आनंद जी? बहन की बेटा बेटी कौन होती है, नेफी होती है, नाइस होती है, नीस होती है? आपकी बहन का बेटा क्या लगेंगे आपके, हाँ भांजा, मतलब नीस या नेफ्यू, नेफ्यू, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इज 4 इज द राइट आंसर। अब वो आपको मामा बोलेंगे, ठीक। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने खत्म प्रश्न, प्रश्न 13 हमने करवाया आज तक, 13 क्वेश्चनों को करवाया, और ये 13 क्वेश्चन 13 प्रकार के थे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा मेरे अजीज दोस्तों। पढ़ते रहिए, ठीक है, और बढ़ते रहिए। चलिए फिर, आनंद सर आ गए हैं, आनंद सर की क्लास होने जा रही है, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।